हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी होते हैं और निरंतर पार्टी व संगठन को मजबूत करने का काम करते हैं। विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज कुरुक्षेत्र स्थित एक निजी होटल में पार्टी पदाधिकारियों की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। यहाँ नायब सिंह सैनी ने आम आदमी पार्टी को भी घेरा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में सिस्टम बनाने की बजाय भ्रष्टाचार पर ज्यादा ध्यान दिया। इस मौके पर शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा, भाजपा जिलाध्यक्ष रवि बतान, पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह, पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी, पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी, प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता, कुरुक्षेत्र प्रभारी जगमोहन आनंद भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत कार्यकर्ता पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा आम चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस से ज्यादा वोट हासिल किए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव की अपेक्षा इस लोकसभा चुनाव में भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ा है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने झूठ बोलकर ये भ्रम फैलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो संविधान और आरक्षण को समाप्त कर देंगे। उन्होंने संविधान और आरक्षण के नाम पर झूठा भ्रम फैलाकर वोट हासिल करने का काम किया है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आमजन के लिए जो कार्य किए हैं उन कामों के बल पर कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर कांग्रेस का जो झूठा प्रचार था उसका पर्दाफाश करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत व आमजन के सहयोग से भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। पत्रकारों द्वारा दिल्ली में पानी की किल्लत से संबंधित प्रश्न का जवाब देते हुए सीएम सैनी ने कहा कि वहां की सरकार ने पानी के लिए कोई सिस्टम नहीं बनाया। वे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनकी निगाहें भ्रष्टाचार की तरफ रहती हैं। हमारे लिए दिल्ली के लोग सम्माननीय हैं। हरियाणा द्वारा दिल्ली को पहले की तरह पानी दिया जा रहा है। दिल्ली के लोगों को पानी के नाम पर जो झूठी राजनीति करते हैं ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। इस मौके पर धर्मवीर डागर, धुमन सिंह किरमच, मीडिया प्रमुख शैलेश वत्स आदि गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। देखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार चुनावी मोड में रहता है। अभी लोकसभा के चुनाव आए हैं। लोकसभा के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से ज्यादा वोट लिया है। कई बार समीकरण बन जाते हैं, समीकरणों के अंदर हमारी सीटें कम हो गई हैं पिछले 2019 के चुनाव की बाबत, परंतु हमारा कार्यकर्ता मजबूती से और कांग्रेस के उस झूठ को जो लगातार वो फैलाने का काम कर रहा है और झूठ बोल करके लोगों के बीच में वो गुमराह की स्थिति पैदा करता है कि इस प्रकार का भ्रम फैलाया गया कि अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो संविधान आरक्षण को खत्म कर देंगे। इस प्रकार का झूठ बोल करके उन्होंने वोट लेने का काम किया, परंतु जो मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में काम किए हैं हम उन कामों के बल के ऊपर लोगों के बीच में जाकर के उस झूठ का पर्दाफाश करने का काम करेंगे और विधानसभा के चुनाव के अंदर बहुत बड़े मैंडेट से तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। देखिए, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सभी काम कर रहे हैं, जो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा वो आ जाएगा। दिल्ली सरकार कह रही है कि अभी पानी को लेकर काफी हाहाकार मची हुई है, पानी नहीं दे रहा हरियाणा। हम उनको पूरा पानी दे रहे हैं, परंतु मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने गिरेबान में जाके जो उन्होंने वायदे जनता के साथ किए थे उसकी तरफ तो उनका ध्यान नहीं है। भ्रष्टाचार के ऊपर ज्यादा उनकी नजरें टिकी हुई हैं। भ्रष्टाचार से नजरें कम करके लोगों के विकास की सुविधाओं की तरफ उन्होंने नजर फेरनी चाहिए दिल्ली के अंदर। और जो डिस्ट्रीब्यूशन पानी का है, उन्होंने सोचना चाहिए था कि हम 10 वर्षों से दिल्ली के अंदर वहां पर काम कर रहे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक चला जाए, उसकी तरफ तो काम नहीं किया। झूठा आरोप लगा करके कि पानी कम दे रहे हैं, अरे पानी तो जितना हम पहले दे रहे थे उससे सोया पानी देने का काम कर रहे हैं। दिल्ली के लोग हमारे सम्मानीय वो लोग हैं और उनको कोई दिक्कत आती है, हमें दिक्कत आती है, परंतु जिस प्रकार से वहाँ की सरकार ने झूठ बोल करके लोगों को सुविधा नहीं दी, सिस्टम को खड़ा नहीं किया, भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त रहे हैं, मैं वहाँ के लोगों को कहूँगा कि ऐसे लोगों के इस चेहरे से नकाब उतारें।